please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. इंडिया की 30 अंडर 30 लिस्ट सेलिब्रेट कर रही है युवा शक्ति को और मैं हूं ऐसे ही खास सोशल एंटरप्रेन्योर्स की जोड़ी के साथ जिन्होंने रिसाइकलिंग का एक नया चैप्टर हमारे सामने खोल दिया है। हेल्प अस ग्रीन ये काम करते हैं कानपुर से और इसको चलाने वाले दो फाउंडर्स अंकित अग्रवाल और करण रस्तोगी मेरे साथ हैं। आप दोनों का स्वागत है। वैसे अंडर 30 के एज ग्रुप में जो युवा होते हैं वो अपने दोस्तों को या कहूँ लड़कियों को फूल भेजते हैं, लेकिन आप फूलों को रिसाइकिल कर रहे हैं, एक अलग लेवल पर लेकर जा रहे हैं। क्या है ये हेल्प अस ग्रीन? अंकित, आपसे समझना चाहेंगे और फूल भेजने की जगह रिसाइकिल क्यों कर रहे हैं? तो मैम, हम लोग करते हैं कि जो मंदिरों में फूल इकट्ठा होते हैं हम लोग वो फूल कलेक्ट करते हैं और उससे हम खाद बनाते हैं। उससे हम बिना कोयले की अगरबत्ती बनाते हैं। जो नॉर्मली मार्केट में हमारे पास अगरबत्ती मिलती है वो कोयले से बनी होती है, तो हमने अपनी टेक्नोलॉजी के थ्रू अगरबत्ती से कोयला रिप्लेस किया। और दूसरा, अभी हम लोग ने एक और स्टेप आगे बढ़े हैं और हम लोग ने थर्माकोल बनाई है फूल से, जो कि करीब 27% सस्ती है नॉर्मल थर्माकोल से। उसमें कुछ भी केमिकल नहीं है और कम्प्लीटली वेस्ट फ्लावर से बन रही है। और ये कम्प्लीटली जो मंदिरों से जो फूल निकल रहा है वेस्ट की तरह फेंका जा रहा है, नदियों में बहाया जा रहा है, उससे बना रहे हैं आप। हाँ, आप खाद बना रहे हैं, अगरबत्ती बना रहे हैं, थर्माकोल बना रहे हैं। लेकिन जब ये सब आपने सोचा, एक तो बहुत ही जब रिलीजियस सेंटिमेंट्स जुड़ जाते हैं ना तो लोग कुछ ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, तो वहाँ पे कन्विंसिंग में दिक्कत आई? शुरू में हम लोग को बहुत दिक्कत आई। मतलब शुरू में तो इवन फैमिली नहीं मान रही थी, जॉब छोड़ा था और सब लोग को लगता था। फैमिली का क्या रिएक्शन था? देखो, रिएक्शन इसके घर में तो कहा गया था कि तुम अब ऑटोमेटिक इंजीनियर की जॉब छोड़ के तुम मंदिर का कचरा साफ करोगे। और मेरे घर में कहा गया था कि तुम्हें क्या करने की जरूरत पड़ गई है, तुम बाहर से पढ़ के आए हो सिर्फ ये करने के लिए। हाँ, कचरा कैसे उठाओगे? एग्जैक्टली। लेकिन अब आप हैं फोर्ब्स की 30 अंडर 30 लिस्ट में, तो कैसा महसूस हो रहा है उससे लेकर के अभी तक के सफर 2015 और अब 2018 में आप 30 अंडर 30 के लिस्ट में? इट्स अ बिग सरप्राइज, वी आर हैप्पी। बहुत बड़ा सरप्राइज। और घर वाले खुश है, कचरा उठाने वाले लड़के फोर्ब्स इंडिया की लिस्ट में है। अभी तक उनको पता भी नहीं है। हाँ, भी नहीं पता है। तो खुश, लेकिन वैसे खुश हैं आप। yes, से काम yes, कर रहे हैं। yes, yes. तो मुझे ये बताइए, अब बिजनेस पार्ट पे बात करते हैं। ये जो पूरा फ्लावर साइकिलिंग है, अब ये भारत के लिए नया कॉन्सेप्ट है, इसके लिए फंडिंग का सफ़र आपके लिए कैसा रहा और अभी आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं? अभी तो आप सिर्फ कानपुर, कन्नौज, उन्नाव के एरिया में ही काम कर रहे हैं। हाँ, तो हम लोग काफ़ी लकी रहे हैं। तो नाओ हम लोग को टाटा की तरफ से इन्वेस्टमेंट्स मिला है, हमें काफ़ी फॉरेन ग्रांट्स मिले हैं, यूनिलीवर से मिला है, DBS MUS से मिला है। हमने करीब 4.25 करोड़ रुपए का पहला अपना राउंड उठाया है। जो हमने 72,000 रुपये से कंपनी शुरू की थी 2015 में, आज वो बड़ी हो चुकी है। हम रोज़ाना आज की तारीख में 4,400 किलो फूल रोज मंदिरों से कर उठा रहे हैं। इसके बाद हमारा पहला प्लांट बना है कानपुर में, करीब 22,000 स्क्वायर फीट की फैसिलिटी है। इसके बाद अभी हम लोग मथुरा, वृंदावन और वाराणसी दोनों जगह में हमारे प्लांट्स बन रहे हैं। टोटल हमारा एम है कि 2019 तक हम दिन में करीब 50 टन फूल रोज कर पाएँ और 1100 लोगों को नौकरी दे पाएँ। तो फर्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग मिलने में मुश्किल रही ये समझाने में कि आप क्या कर रहे हैं? आइडिया आपका जो था? देखिए, एक लोगों का सेंटिमेंट होता है क्योंकि फंडिंग से लोग सिर्फ IT को समझते हैं और लोग हमेशा सबसे पहले कहते थे तुम लोग मशीन लगा लो और महिलाओं से काम मत कराओ। बट हमारा विज़न क्लियर था। मैंने कहा अगर मशीन लगेगी तो मैं फंडिंग नहीं लूँगा और मैं काम ही नहीं करूँगा। मुझे काम उनका अपलिफ्टमेंट के लिए करना है, उनके बेटरमेंट के लिए करना है। तो आज की डेट में हम लोग का जो बेसिक एम होता है रोटी कपड़ा मकान, उनका है सेल्फ रिस्पेक्ट। तो हम उनको वो सेल्फ रिस्पेक्ट दे रहे हैं जो उनको आज तक कभी सदियों में मिला ही नहीं। तो ये कौन सी महिलाएं हैं जो आप लोगों के साथ काम कर रही हैं? जो पहले महिलाएं जैसे कि नालियां साफ करती थी, सीवर साफ करती थी, हम उन्हें एम्प्लॉय करते हैं। तो उनमें एक फ़र्क पड़ता है। जब वो मंदिर के फूल के साथ काम करते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। दूसरी चीज़, हम उन्हें टॉयलेट्स फ्री, मतलब ड्रिंकिंग वाटर फ्री, टॉयलेट्स, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, इंश्योरेंस, बैंक अकाउंट्स, बस सर्विस, तो एक प्रॉपर फैसिलिटी जैसे वर्क करती है, हम उनको वो सारी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं ताकि उनको ये ना लगे कोई फ्री में पैसा दे के जा रहा है। तो और ये मंदिर और मस्जिद फूल दे देने के लिए आगे आते हैं, आपको संपर्क करते हैं, उनका क्या रिएक्शन मिला था? आज की तारीख में हम लोग को मतलब पूरे इंडिया भर से कॉल्स आते हैं कि लोग ये करना चाहते हैं, इवन मतलब मंदिर के जो कमेटी वगैरह होती है, तो हम लोग धीरे धीरे एक्सपैंड कर रहे हैं। एटलीस्ट वो एक आइडिया वैलिडेट हो गया है कि जब शुरू में हम जाते थे तो लोग मानते नहीं थे, अब आज की तारीख में कानपुर शहर से कोई भी फूल गंगा में नहीं जा रहा है। तो यही चीज़ हम मथुरा, वृंदावन और वाराणसी में करते हैं। बिल्कुल, ये अचीवमेंट है कि आप गंगा को साफ रखने में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो लेकिन अब हेल्प अस ग्रीन जो है कानपुर से आगे भी बढ़ने वाला है, कहाँ कहाँ जाने का भी इरादा है? तो हम लोग 4 शहर टारगेट कर रहे हैं, मथुरा, वृंदावन और वाराणसी और थोड़ा हरिद्वार, जहाँ बिल्कुल कि मंदिरों का गढ़ है। एग्जैक्टली। तो वहाँ आप कैसे एक्सपैंड कैसे करेंगे? आप अपने लोग वहाँ पर ले जाएंगे या वहाँ से फूल कानपुर आएंगे और फिर नहीं, वहीं पे फैसिलिटी सेट होगी और वहाँ पे थर्माकोल के प्लांट्स लगेंगे दोनों जगह। और थर्माकोल भी जो है एक तरह से काफी इसको भी माना जाता है एक बड़ा पोल्यूटेंट है, इसको भी आपका 5th बिगेस्ट पोल्यूटेंट है। उसको बनाने में कैंसर वाली गैसेस रिलीज की जाती हैं, सारा मतलब ये समझिए कि हम धरती से पेट्रोल निकाल रहे हैं, उसकी थर्माकोल बना के उसको धरती में डाल दे रहे हैं। 90% थर्माकोल जो है वो सिंगल यूज होता है, एक बार यूज हो गया उसके बाद वो फेंक दिया जाता है और वो नॉन डिकम्पोजेबल होता है, मतलब वो कभी मिट्टी नहीं बनेगा, वो अर्थ में हमेशा ही रहेगा। सो हमारा थर्माकोल, उसको हम फ्लोराफोम कहते हैं, बायोडिग्रेडेबल है और सस्ता है, 27% सस्ता है। और आप केवल भारत में ही धूम नहीं मचा रहे हैं, अब विदेशों तक आप पहुंच रहे हैं। करण, थोड़ा सा शेयर कीजिए कि कैसे बाहर के लोग आप लोगों को अप्रोच कर रहे हैं, आप भी बाहर जाना चाहते हैं? डेफिनेटली हम लोग भी बाहर जाना चाहते हैं। हम लोग की इसके लिए यूरोपियन टीम है 4 मेंबर्स की, जो कि पूरे यूरोपियन यूनियन में हमारे साथ मिलकर उन प्रोडक्ट्स को फैला रही है और प्लस उस कंसेप्ट को वैलिडेट और बेहतर स्तर पे कर रही है कि हम इसको और कैसे एक विश्व का एक मोटिव बना सकें कि हाँ इससे भी कुछ होता है। हम लोग को करीब 1.25 करोड़ रुपए के ग्रांट्स मिले हुए हैं, एक्वाइंग ग्रीन करके एक बहुत बड़ी फेलोशिप होती है उससे मिला है, फिर काफ़ी बिजनेस प्लान कॉम्पिटिशन्स हैं, तो और उनसे नेटवर्क मिलता है, सीखने मिलता है। ये जो आपके प्रोडक्ट हैं इनको कैसा रिस्पांस मिल रहा है? ये जो अगरबत्तियाँ आप बना रहे हैं, ये कॉम्पोस्ट आपने मुझे दिखाया, आप बहुत ही इनोवेटिव पैकेजिंग कर रहे हैं। तो हम लोग ने हमेशा से अपने मतलब प्रोडक्ट को हमने आज तक 1 रुपये मार्केटिंग में नहीं स्पेंड किया, ये हमेशा वर्ड टू वर्ड मतलब वर्ड ऑफ माउथ या फिर कोई आर्टिकल पढ़ के या जैसे प्रोग्राम देख के ही हमारी सेल्स होती है। और हम लोग ने जैसे हिंदुस्तान में एक चीज़ है कि अगर किसी कैलेंडर या किसी कार्ड या किसी अगरबत्ती के डब्बे पर भगवान की फ़ोटो होती है तो लोग उसे कभी कचड़े में नहीं डालते, लोग उसे या तो मंदिर पर छोड़ देते हैं या फिर पेड़ के नीचे छोड़ देंगे या नदी में डाल देते हैं। तो हमने ये किया है, हमने अपने पैकेट्स को में तुलसी के बीज का सेलुलोज एम्बेड किया है। तो एक बार जब आप प्रोडक्ट यूज़ कर लीजिए तो उसके बाद आप उसे मिट्टी में गाड़ दीजिए, थोड़ा पानी डालिए, धूप दीजिए, तो उससे तुलसी के पौधे उग के आएंगे। बिल्कुल, तो आप दोनों का शुक्रिया। लेकिन ये बताइए, फोर्ब्स इंडिया की इस लिस्ट में आकर के सबसे पहले किसे मन किया कि ये बताया जाए? पहले तो एक ही दूसरे को फ़ोन किया था। तो आपकी दोस्ती भी वैसी जय वीरू वाली दोस्ती है? हाँ हाँ बिल्कुल, पक्की दोस्ती। 10 साल हो गए, 10 साल हो गए, हाँ 10 साल हो गए, 10 साल हो गए। चलिए, आपकी दोस्ती भी बनी रहे और आपका प्रोडक्ट भी ऐसे ही बिकता रहे और फिर से एक बार फोर्ब्स इंडिया की 30 under 30 लिस्ट में आने के लिए बहुत बहुत आप दोनों को बधाई। थैंक यू हमसे बात करने के लिए। फोर्ब्स 30 अंडर 30 में अब की बार नाम है विकी कौशल का भी और वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद भी हैं। आइए इनसे बात करते हैं, इनके सफ़र के बारे में कुछ जानते हैं। स्वागत है आपका और मुबारकबाद। सबसे पहले तो मुझे आपसे ये समझना है, मैं कई जगह आपके इंटरव्यूज़ पढ़ रही थी इस इंटरव्यू से पहले और क्योंकि हम सफ़र की बात कर रहे हैं तो आपने इंटरव्यू में कहा है कि जब आपके पिताजी को पता चला कि आप इस इंडस्ट्री में, इस क्षेत्र में आना चाहते हैं तो उन्होंने आपसे ये सवाल पूछा कि क्या आप मेरी वजह से इसमें आना चाहते हैं और क्या इसीलिए आपको लगता है कि आपकी जर्नी आसान होगी? और आपका जवाब हालांकि हमें नहीं पता, लेकिन आपके पिता ने कहा कि अगर आपको लगता है कि जर्नी आसान होगी तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब तक का सफ़र तो क्योंकि विकी बहुत लंबा है, अभी शुरुआत कैसी रही? शुरुआत बहुत अच्छी रही। मैंने कभी सोचा नहीं था कि जो चीज़ें हो रही हैं वो भी मैंने आई थिंक मैं अगर प्लान करता तो भी शायद इतनी अच्छी नहीं होती। आई थिंक ऊपर वाले ने बहुत ज़्यादा साथ दिया है। एंड जो आपने बात कही थी कि पापा का जो रिएक्शन था, जब मैंने बताया कि मुझे एक्टर बनना है तो हाँ, उनका यही रिएक्शन था पहले तो कि तुम इसलिए बनना चाहते हो क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि ये सफ़र आसान होगा क्योंकि तुम्हारे पापा इस लाइन में हैं। तो क्योंकि देखिए वो इस लाइन में ही इज़ एन एक्शन डायरेक्टर और तो उन्होंने भी मुझे बहुत क्लियर कर दिया था, देखो ये वो हमेशा से ना इस लाइन की और लाइफ की हमें हार्श रियलिटीज़ बताते रहे हैं। अभी वो चीज़ें उन्होंने कभी नहीं छुपाई है। तो जब ये भी सवाल आया तो वो पहले तो बहुत खुश थे क्योंकि मैं उस समय इंजीनियरिंग स्टूडेंट था, एक जॉब लेटर थी मेरे हाथ में। सो ही वॉज वेरी हैप्पी कि यार ये कौशल परिवार में जो एक पहला चिराग है जो इंजीनियर बनेगा, जो पहले कोई नहीं बना है। और ही वॉज हैप्पी कि यार जो एक ना एक मंथली पे चेक होगा, दिवाली की छुट्टियां होगी, सैटरडे संडे ऑफ होगा। तो ही वॉज वेरी हैप्पी कि यार तू पोस्ट ग्रेजुएशन कर, कहीं जाके अच्छी पढ़ाई कर और अच्छी जॉब ले। तो ही वॉज वेरी हैप्पी। तो ही वॉज ऑल्सो थोड़ा सा शॉक में भी थे कि ये एक्टर ये क्या हो गया इसे अचानक से। मैंने बताया कि नहीं, दिस इज़ वॉट मुझे मैं करना चाहता हूँ एंड दिस इज़ फ्रॉम इनसाइड मी। एंड तो ही वॉज वेरी हैप्पी एंड ही टोल्ड मी दैट आई विल ऑलवेज बी देयर विद यू एज अ फादर बट नॉट एज एन एक्शन डायरेक्टर। तो ये ये मैं तुम्हारे साथ हूँ एक पिता के तौर पे, बट ये स्ट्रगल तुम्हारी होगी, ये जर्नी तुम्हारी अपनी होगी। एंड तो दिस इज़ ये इस नोट पे हमारी शुरुआत हुई थी एज एन एक्टर। शुरुआत तो मैं कहूँगी काफ़ी ब्लॉकबस्टर हुई है क्योंकि हम सब जानते हैं आपकी जो चॉइस ऑफ फिल्म्स है जिससे आपने शुरुआत की है, पर्दे के सामने जो आपका रोल जो सराहा गया, मसान है, जुबान है और साथ ही रमन राघव 2.0 है, इस सिलेक्शन के पीछे कोई खास वजह थी कि ये भी अनप्लान्ड हुआ? ये भी अनप्लान्ड हुआ। Okay. क्योंकि देखिए मैं बस एक्टिंग करना चाहता था और उस समय थिएटर कर रहा था, ऑडिशंस दे रहा था। तो ऐसा नहीं था कि मेरे पास एक 10 फिल्मों का ऑफर था और मुझे चूज़ करना था कि मैं यार ये फिल्म करूँगा। अच्छा। ऐसा नहीं था, मैं ऑडिशन दे रहा था। आई वॉज लकी कि मुझे इन अच्छी फिल्मों का हिस्सा बनने का मौका मिला। Right. मैंने ऑडिशन दिया, उन्होंने स्क्रीन टेस्ट देखा, उनको पसंद आया, उन्होंने सिलेक्ट किया एंड उस तरीके से मुझे उस फिल्म का हिस्सा बनने का मौका मिला। Okay. तो मैं बस अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि मुझे ऐसी फिल्मों का हिस्सा बनने का मौका मिला और अपना काम दिखाने का मौका मिला। एंड जो कुछ भी हुआ मसान के साथ, जुबान, रमन राघव के साथ, एंड इट्स बीन रियली अ प्लेजेंट सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ अस। एंड मेरे लिए भी बहुत अच्छी जर्नी रही है क्योंकि ऑडियंस ने, क्रिटिक्स ने, फिल्म इंडस्ट्री ने बहुत सराहा, मतलब काम को सपोर्ट किया। तो वो बहुत अच्छा लगा और बहुत मोटिवेट किया उस चीज़ ने कि यार हाँ तुम बढ़ते जाओ आगे और काम अच्छा करते जाओ। तो बस अच्छा लगता है कि मौके मिल रहे हैं और अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। बिल्कुल। मैं पर्सनली मानती हूँ एक्टर्स की कोई हद नहीं होती, सीमा नहीं होती, लेकिन अक्सर हम देखते हैं इस इंडस्ट्री में अगर आप इस तरह के सिनेमा से शुरुआत करते हैं, इस तरह के सीरियस या पैरेलल जो ट्रेडिशनल वर्ड है उससे शुरुआत करते हैं तो आप कहीं ना कहीं टाइपकास्ट हो जाते हैं। लेकिन आपके इसमें शायद ऐसा नहीं हो रहा है। आपका जो आने वाला लाइनअप है फिल्मों का वो काफ़ी शानदार है। टचवुड। हाँ, मतलब अच्छे कुछ डायरेक्टर्स जिनके साथ उस एक सपना था कि उनके साथ काम करने का मौका मिले, उनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है। पर एक्चुअली मैं कभी उस चीज़ को मानता नहीं था कि ना ही मानता हूँ कि पैरेलल सिनेमा, कमर्शियल सिनेमा। हालांकि मैं वो फ़र्क समझता हूँ उन फिल्मों का, पर वो उनको कैटेगराइज करना और वो मुझे सही नहीं लगता बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मुझे लगता है सिनेमा एक डायरेक्टर्स मीडियम है, राइटर्स मीडियम है और आप एज एन एक्टर उसका हिस्सा बनते हो, उनके विजन का हिस्सा बनते हो। अब वो फिल्म कई बार एक फिल्म होती है यार वो इस बजट में बनती है, एक फिल्म इस बजट में बनती है, तो वो हर फिल्म का अपना एक दायरा होता है। पर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको कहानी बतानी है, यू नो, उस कहानी की सच्चाई बतानी है। एंड वो जब तक करने का मौका मिले तब तक मतलब आई डोंट थिंक वो कि यार ये इस तरीके का सिनेमा है, वो उस तरीके का सिनेमा है, तो वो पता नहीं, मैं शायद आई एम टू न्यू टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दैट। पर मुझे सिर्फ कहानी समझ में आती है कि ये कहानी है, वही ज़रूरी है मेरे ख्याल से एक्टर के लिए, और उस कहानी का हिस्सा बनना है बस, यू नो। बाकी वो जो है कि उसको किस तरीके से दिखानी है वो एक विजन, वो डायरेक्टर का विजन होता है। तो आने वाली कहानियाँ कौन सी हैं जिनके आप हिस्सा ऑलरेडी बन चुके हैं? अभी एक फिल्म है लव पर स्क्वायर फुट जो रोनी स्क्रूवाला जी ने प्रोड्यूस की है, आनंद तिवारी जी डायरेक्ट कर रहे हैं। वो इंडिया की फर्स्ट नेटफ्लिक्स ओरिजिनल होने वाली है, वो फरवरी में आ रही है। उसके बाद 11 मई को राजी रिलीज़ होगी जो महीना गुलजार जी ने डायरेक्ट की है, धर्मा जंगली प्रोड्यूस कर रहे हैं और आलिया भट्ट के साथ है। उसके बाद 29 जून को दत्त बायोपिक रिलीज़ होगी जो राजकुमार हिरानी जी ने डायरेक्ट की है। एंड ये है, और बाकी अब जो फिल्में करूँगा वो अनुराग कश्यप जी की अगली फिल्म मनमर्जियाँ हैं और उसके बाद आदित्य धर की उरी है जो 2016 में उरी के अटैक और सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उस पर निर्धारित फिल्म है, वो भी रॉनी स्क्रूवाला प्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके। फोर्ब्स 30 अंडर 30 में आपका नाम शुमार हो चुका है। ये अपने आप में एक बहुत ही इंस्पिरेशनल, एक तो जर्नी आपकी इंस्पिरेशनल है ही और दूसरा जो जगह दी जा रही है वो भी वो तमाम लोग जो आपको आइडल की तरह अब मानने लगे हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे इस माध्यम से? एक्चुअली मैं नहीं जानता अगर आइडल की तरह मानने लगे हैं या नहीं, बट मैं खुद बहुत कुछ सीख रहा हूँ। मैं आई डोंट थिंक मैं उस पोजीशन में हूँ कि मैं किसी को कुछ सिखा सकूँ या बता सकूँ, बट ये है कि हाँ, मैं जो मेरे लिए काम एक चीज़ जो वर्क की है वो ये है कि मैं आज को मैं अभी को सच्चाई से जीता हूँ। मैं आगे की ज़्यादा परवाह नहीं करता। अगर आप आज और अभी को सच्चाई से जी रहे हैं तो आगे भी सब चीज़ें ठीक ही हो जाती हैं। ये मेरे लिए वर्क किया है, तो आई थिंक हाँ यही मैं शेयर कर सकता हूँ। चलिए, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए। थैंक यू सो मच, लवली टॉकिंग टू यू। फोर्ब्स 30 अंडर 30 की लिस्ट में कई सारे युवा एंटरप्रेन्योर्स, आर्टिस्ट मौजूद हैं और मेरे साथ गौरव मुंजाल बैठे हैं, अन अकेडमी के ये को फाउंडर हैं और इस कंपनी से तो हम वाकिफ़ हैं, लेकिन इनसे ये सवाल ज़रूर पूछना होगा कि इस लिस्ट के अंदर आने में कितनी मेहनत करनी पड़ी और क्या इसके बारे में इन्होंने कभी सोचा था। तो उसी सवाल के साथ मैं शुरू करूँगी। आप लोग जब बिज़नेस प्लान करते हैं उसके लिए कुछ टारगेट्स होते हैं, लेकिन क्या एक प्लेजेंट सरप्राइज़ था कि आप 30 अंडर 30 की लिस्ट में शामिल हो रहे हैं? जब हमने 2 साल पहले कंपनी चालू करी तब हमने नहीं सोचा था कि कंपनी इतनी जल्दी इतनी आगे पहुंचेगी, बट हमने ये ज़रूर सोचा था कि दिस इज़ समथिंग दैट वी आर डूइंग फॉर लाइफ, कि हमें जो एजुकेशन लोगों तक पहुंचानी है और मेक श्योर करना है कि हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू जो टॉप एजुकेटर्स हैं वो पढ़ा रहे हैं वो हो। और जैसे जैसे हमने देखा कि 2 साल में वो तेज़ी से हो रहा है, तो आई थिंक फोर्ब्स की लिस्ट में आना हमारे लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज़ था एंड वी वर क्वाइट हैप्पी अबाउट इट। मुझे ये बताइए, क्योंकि आप लोगों ने शुरुआत एक YouTube चैनल के साथ की 2010 में, क्या तब सोचा था ये एक फुल फ्लेज्ड बिजनेस होगा जहाँ पर बड़े पैमाने पर वेंचर कैपिटल पैसा भी आ जाएगा, फिर आप यू नो दूसरे एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप इंडिया के दूसरे आइकन्स के साथ कंधे से कंधे मिलाएंगे? 2010 में तो मैंने नहीं सोचा था, बट जब मैं स्कूल में था मुझे ये तो पता था कि इवेंचुअली मैं खुद की कंपनी चालू करूँगा। एंड जब 2010 में मैं यूट्यूब चैनल भी चालू कर रहा था, तो मोर देन एनीथिंग एल्स, मोर देन वेंचर कैपिटल, मोर देन मनी, मोर देन फेम, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि इम्पैक्ट क्रिएट करना है बहुत बड़ा। और आई थिंक जब आप बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करते हो, जैसे अभी लाखों स्टूडेंट्स हैं जो अनअकैडमी पे काफ़ी चीज़ों के लिए सिर्फ अनअकैडमी पे रिलाई करते हैं, व्हेन यू फोकस ऑन इम्पैक्ट देन दीज थिंग्स आर बाय प्रोडक्ट। तो आप अब अनअकैडमी के साथ क्या नया जोड़ना चाहेंगे? मैं कहीं पढ़ रही थी कि आप एक क्विज़ फॉर्मेट भी लाने वाले हैं, मोनेटाइज करना ज़रूरी है, तो मोनेटाइजेशन के लिए क्या अलग अलग चीज़ें आप करने वाले हैं? हमने एक नए काइंड ऑफ कोर्सेज लॉन्च करे हैं, अनअकैडमी प्लस कोर्सेज, जिसमें एजुकेटर्स बच्चों को लाइव पढ़ाते हैं, ऑनलाइन लाइव पढ़ाते हैं, और वो एक चार्जेबल कोर्स स्ट्रक्चर है। यही सेम एजुकेटर्स बहुत सारे फ्री कोर्सेज भी बनाते हैं, बट प्लेटफॉर्म को सस्टेन रखने के लिए और एजुकेटर्स को सस्टेन रखने के लिए हमने अनअकैडमी प्लस को लॉन्च करा है, जिसमें प्लस कोर्सेज को हम मोनेटाइज करते हैं। और मोनेटाइजेशन के लिहाज से फिर आप वो ब्रेक इवन से कितने दूर होंगे, क्या टारगेट्स होंगे? मैं ये सोचना चाह रही हूँ कि 5 साल में आपकी कंपनी एक यूट्यूब चैनल एक कंपनी में बनी, अब अगले 5 सालों का प्लान क्या है आपका? कोई भी हाई ग्रोथ स्टार्टअप ब्रेक इवन या प्रॉफिटेबल होना प्लान नहीं करता। अगर हम चाहें तो हम प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, बट हमारा उद्देश्य रहता है कि जितना हम प्रॉफिट कमा रहे हैं वो हम री इन्वेस्ट करके कंपनी को और बड़ा करें और ग्रोथ दिखाएँ कंपनी में। तो जैसे मुझे ये नहीं पता था कि 2 साल बाद हम फोर्ब्स में होंगे, तो मुझे ये नहीं पता कि हम 5 साल बाद कहाँ पे होंगे, बट हाँ हमारे ईयरली टारगेट्स होते हैं और हमने 2018 के लिए जो अपने गोल्स रखे हैं वो काफ़ी बड़े हैं। लेकिन आपने कुछ तो सोचा होगा कि अगले 5 सालों में आपने शायद एक पर्टिकुलर स्केल अचीव करनी है, चाहे वो आपके ऑडियंस स्टूडेंट्स के ज़रिए हो या फिर द नंबर ऑफ़ एजुकेटर्स जो आपके प्लेटफॉर्म पर आते हैं, कुछ तो आपने सोचा होगा, वो क्या टारगेट्स होंगे? हमारा इवेंचुअल टारगेट तो ये है कि हमें इंडिया की नई वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट एजुकेशन कंपनीज बनना है। अब उसमें 5 साल लगे, 2 साल लगे या 10 साल लगे, जितना भी टाइम लगे वो हम करेंगे। 2018 के लिए ज़रूर हमारे पास गोल्स हैं कि अभी हमारे पास प्लेटफॉर्म पे हर महीने अराउंड 1000 to 1500 एजुकेटर्स पढ़ाते हैं, हम उसको 5000 तक लेके जाएं 2018 के एंड तक, और जितनी हम ऑडियंस पे भी रीच कर रहे हैं हम उसको डबल करें। ओके, इस जर्नी में मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगी कि आपका सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा है? कहाँ पर आपको लगा कि यू नो अब तो बस डबल मेहनत करनी पड़ेगी या फिर इस काम को करने में बहुत ज़्यादा पसीने छूट रहे हैं? आई थिंक ऐसा कोई मोमेंट नहीं आया है। मैं उम्मीद करती हूँ लेकिन ऐसे कोई मोमेंट्स आए ताकि आपकी कंपनी फिर उस बड़े पड़ाव को भी आगे क्रॉस कर सके। थैंक यू सो मच गौरव एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।